तो जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस के घर में राशन को लेके झगड़ा। राशन आ चुका है दोस्तों। इन लोगों ने क्या किया दोस्तों, जब पहले पहले घर में आए, इन लोगों ने सारा राशन ख़त्म कर लिया, खा लिया जल्दी सब लोगों ने। किसी को पीठा खाना था, पोहा खाना था, थेपला खाना था, ये खाना था, वो खाना था, अंडे खा रहे, मतलब पेले जा रहे थे, वो अभिषेक अंडे पेले जा रहा था। ये तो एक दूसरा चिकन भनोट दूसरा आया है, डुप्लीकेट शालीन भनोट का। तो ये बंदा भी अभी प्रॉब्लम कर रहा है जब से राशन आया। तो इस बार का राशन टास्क अलग ही होगा दोस्तों। पहले क्या होता था, सिर्फ 3 बार खाना बनता था ना घर में, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। अब 9 बार खाना बनेगा। जी हाँ दोस्तों, 9 बार। क्यों पता है? क्योंकि सभी अपने अपने घर का ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर अलग अलग बनाएंगे। जी हाँ, किचन का खाना हर घर अपना बनाएगा। दिल का लोग दिल बनाएगा, दम का लोग दम लोग बनाएंगे, दिमाग का लोग दिमाग बनाएंगे। तो राशन 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। किसी को अंडा चाहिए तो वो अंडा ज़्यादा लेगा, किसी को नॉनवेज ज़्यादा चाहिए तो वो नॉनवेज ज़्यादा लेगा। जिस कमरे में नॉनवेज ज़्यादा खाते उसको नॉनवेज दे दो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। फिर जिस कमरे में अंडा ज़्यादा खाते उसको अंडा दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब तो यहाँ पर ये भी हो रहा है कि चोरी भी करना शुरू करेंगे लोग, सुनाई दे रहा है। अब एक कमरे में अब कॉफ़ी चाय ये सब याद है, साजिद खान के टाइम पे कॉफ़ी को ले कितना क्या हुआ। इसके बाद वो अविनाश कॉफ़ी को लेके क्या करता था। इस बार दोस्तों नो टास्क, इस बार अलग ही है दोस्तों। देखा, इस बार बिग बॉस अलग ही है, कोई टास्क फास नहीं। घर में आपस में लड़वाएंगे ये लोग दोस्तों। तो घर में लड़ाएंगे ये, राशन अपना अपना खाना खुद बनाएंगे दोस्तों। ये इसमें टाइम भी चाहिए फिर, है ना। तो घर का काम है बहुत सारा, सब लोग लेटे हुए थे ना लाइव फीड में, ये सब देख के बिग बॉस ने कर दिया अब सब। तो लेटे आराम से, सबको खाना पीना खा के लेट के पेले हुए थे। अब लो चिकन आया 1.5 kg, एग्स अंडे भी कम आए। अब बेचारा अभिषेक चिकन कर रहा है, क्या चाहिए अब। ब्रेकफास्ट लंच डिनर अब 3 टाइम बनेगा, 3 स्लॉट बनेगा, है ना। तीनों रूम अलग अलग खाना बनाएंगे, खाने का बंटवारा होगा, 9 बार खाना बनेगा। जी हाँ दोस्तों, फंस गए सबके सब। अब तो क्या करेंगे ये लोग, है ना। दिमाग वाले रूम में जाके भी ये लोग फंस गए, और सना रईस खान बेचारा दम वाले रूम में वो बोलिए मैं फंस गई जाके। इसका तो इविक्शन हो ही रहेगा, इसका या फिर तहलका का होगा, ये दोनों में से एक जाएगा दोस्तों। देखते रहिए बिग बॉस 17। थैंक यू, बाय।